जब पूरा मोहल्ला सुबह सुबह अपना पेट साफ करने के लिए खेत में जाने वाला लोटा खोजा करता था, और वो मिलता भी था तो एकदम क्षतिग्रस्त, जिसमें बहुत सारे छेद होते थे। काहे चाचा, ऐसा क्या करते थे तुम? सुबह सुबह खेत जाने वाले लोटे में बम लगा देते थे, और फिर लोटा उड़ते उड़ते ऊपर जाता था और फट से नीचे गिरता था, और लोटे की पेंडी पूंडी सब फूट जाया करती थी। बेटा मुंह तुम्हारा एकदम टाइमर जैसा है, जिसको देखने के बाद बस यही लगता है कि दीवार पे पटक के फोड़ दूं। और जो तुम 36 टाइप का मुंह बनाते हो ना, तो बेटा लगता है किसी ने उल्टी कर दी है। काकथू चाचा, बाकी सब तो समझ आया, लेकिन ये लोटा क्या होता है, मेरे दिमाग में नहीं गया। एक होते हैं मूर्ख और एक होते हैं महामूर्ख, और जब सब महामूर्ख मरते हैं ना, तब तुम पैदा हुए हो ऐसा लगता है। जिसको तुम मग्गा कहते हो उसी को लोटा कहते हैं, समझे पगली दास? चाचा की चाची हमको एक बार एक बात बताई थी, दिवाली की अगली सुबह वाली, जब चाचा बिना चड्डी पहने घर को आ गए थे। क्या बात क्या बात, हमको भी बताओ जरा। जब हम कोई बात बताते हैं तो तुम मौन साध लेते हो, जब हमारी मौत की बारी आई तो पट्ट से बोल पड़े। मूर्ख, अब नहीं बोलूंगा। लेकिन चाचा के साथ क्या हुआ कि वो चड्डी नहीं पहन पाए, बस यही जानकारी मिल जाए तो बस मजा आ जाए। हाँ हाँ, तुमको तो जानकारी रखनी ही चाहिए, बता दो इन महोदय को, लेकिन फिर बिल्कुल शांत रहना। तो हुआ यूँ कि चाचा सुबह सुबह खेत गए थे लोटे में पानी भर के, लेकिन बम से लोटे के नीचे छेद हो गया था। फिर जब तक चाचा का पेट खाली हुआ, तब तक लोटे में से पानी भी खाली हो गया। फिर चुप चुप, अब बिल्कुल मत बोलना। ना बताओ ना बताओ, हम तो समझ गए। इन बुद्धि दास को कोई ज्ञान वाली बात समझ नहीं आती, और ये फालतू की बात बहुत जल्दी समझ में आ गई। आज दुकान से बम लेंगे और टकलू चाचा के खोपड़ी में बांध देंगे। हाँ हाँ, यही सीखना रह गया था जीवन में, संस्कार तो बेच खाए, खोपड़े में बम फोड़ोगे तो तुम्हारा सर क्यों फट रहा है? मेरा रुपया मेरा बम, तुमको कोई दिक्कत? आओ बेटा जरा पास आओ मेरा बच्चा। हाँ बताओ चाचा। तुम शोक सभा में आए हो क्या, जो बिल्कुल गड्डी जैसे मुंह बना के बैठे उठी जैसे? चाचा ये खोपड़े क्या होता है? इनसे मिलो, जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तो ये सोच रहे थे कि बुद्धि लूं या ना लूं, और जब यहाँ पहुँचे तो पता चला बुद्धि ही खत्म हो गई, और ये कंफ्यूजन में धरती पर आ गए। खोपड़े मतलब खोपड़ी, जो तुम्हारे सर वाले बाल के नीचे है, समझे पगलेट दास? तोप दे दो अंकल। तोप? तोप से किसको उड़ाओगे बच्चा? तुम्हारे सर को चाचा। चाचा तुम्हारे मुंह में बवासीर हो गई है क्या? बच्चे अपना दिवाली मना रहे हैं और तुमको हर बात पूछनी है, तो फिर कराओ छोटन के मुंह से अपनी छीछा लेदर। तुमसे हम कितनी बार बोले हैं कि हमारे बीच में मत बोला करो। कहाँ हम तुम्हारे बीच में बोल रहे हैं, तुम ही तो बच्चों के बीच में बोल रहे हो। हाँ हम बीच में बोल रहे हैं, लेकिन तुम हमारे बीच में बिल्कुल नहीं बोलोगे, नहीं तो मुंह में इतने रॉकेट भर देंगे ना कि उड़ते उड़ते खो जाओगे, और कहोगे कि मैं कहाँ आ गया मैं कहाँ आ गया। ठीक है नहीं बोलेंगे, हमको क्या, तुम कौन सा हमारे फूफा लगते हो? अंकल बताओ ना, तोप है क्या? छोटे मोटे दुकानदार हैं हम, तोप नहीं रखते बच्चा, बाकी सब है। अच्छा अंकल राफेल तो होगा? नहीं बेटा ये भी नहीं है, बाकी सब है। टाइम बम या कट्टा में से कुछ तो होगा अंकल? नहीं नहीं ये भी नहीं है, बाकी सब है। कछु लाए हो बच्चा, या केवल बम का बोर्ड लगा रखा है? हाँ बहुत बम है, तुम बम से कम हो क्या? जब से यहाँ आके बैठे हो तब से धीरे धीरे मुंह से पटाखा फोड़े ही जा रहे हो। कोई आए खरीदने तो मैं तुम्ही को बम बोलकर बेच दूंगा। हाँ बेच दो मुझे, मैं तो अभिनेत्री हूँ हनी सिंह वाले गाने की, छोटी ड्रेस में बम लग दी मैनू। अच्छा अंकल कोई बम ही दे दो। चाचा को ले जाओ, बिना माचिस के बहुत तेज आवाज करते हैं। क्या मतलब, तुम्हारे दुकान पर बैठे हैं तो तुम हमको ही बेच दोगे क्या? और क्या, तो चाचा को ले जाए अपने साथ। हाँ हाँ ले चलो, हम तो गाजर मूली है ना जो तुम खरीद लोगे। सीधे जाओ घर, नहीं तो ऐसा कंटाप मारेंगे ना कि पूरे साल कान से आतिशबाजी छूटेगी। इसी बात पे कविता सुनो। सुनाओ सुनाओ। चाचा गए दुकान पे करने को बात, दुकान पर चाचा बिक गए पर हो ना पाई बात, अब चाचा के बम लगाया जाएगा, बिना माचिस के छुड़ाया जाएगा, और चाचा बोलेंगे बम 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 बम।
चुप बिल्कुल चुप, बोल मत देना अब तुम। जब भी मुंह खोलता है हमारी छीछा लेटर कर देता है गधा। काम ही ऐसा करते हो चाचा तुम। अब बच्चा है, दिवाली का त्योहार है, सब हंस रहे हैं गा रहे हैं, लेकिन तुम फटे हुए जूता जैसा मुंह बना के बैठे हो। हाँ है हमारा मुंह फटे हुए जूता जैसा, तुमको कोई दिक्कत? हमें क्या दिक्कत होगी, तुम्हारा मुंह है फटे जूता जैसा हो या गधा जैसा हो हमें क्या, लेकिन फटा जूता अच्छा नहीं लगता, इसको सिलवा लो चाचा तुम। अंकल पटाके दो ना जो भी हो। ये लो दाइमार, ये लो रॉकेट, ये लो लैला मजनू और ये लो अनार। थैंक यू अंकल, अब माचिस भी दे दो तो काम बन जाए। नहीं बेटा माचिस तो नहीं है, चाचा के पास है माचिस, यही बीड़ी पीते हैं। बीड़ी पीते है? इसका मतलब क्या है, मेरे पास माचिस होना जरूरी है? और मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि मेरे विषय में मत बोला करो, नहीं तो रॉकेट तुम्हारे मुंह में ही डगा देंगे, समझे तुम? तो बीड़ी क्या वहाँ से जलाते हो? चाचा चाचा है, कुछ भी कर सकते हैं, दिन को रात कर दे, रात को दिन कर दे, चाचा के लिए कुछ भी संभव है। बिल्कुल पगला है तो क्या बे, मुँह अच्छा नहीं है तो बात तो अच्छी किया करो कम से कम। हाँ तुम तो कैटरीना कैफ लगते हो देखने में। और तुम मुर्शी जावेद, तुम दारू पीते हो क्या? हाँ पीता हूँ दारू, तुम्हारा खून क्यों सूखा जा रहा है? तो दारू की बोतल तो होगी, दे दो रॉकेट जला ले बच्चे। दारू की बोतल पीकर फेंक दी जाती है, बिल्कुल बुद्धिहीन हो क्या बे? समझे पगली दास, जैसे तुम्हारे पास बोतल नहीं है वैसे हमारे पास माचिस नहीं है। चाचा की खोपड़ी में गोबर भरा है, हमारे बस चले तो चाचा को तोप से उड़ाते हैं। कराली बच्ची तुमने, मिल गई तसल्ली, अब चाचा बिल्कुल शांत रहना, दिवाली है बच्चों का त्योहार है। तुम ज्यादा बड़ी अम्मा ना बनो, पता है दिवाली है, बम फोड़े जाते हैं, लेकिन क्या मेरे सर पे बम फोड़े जाएंगे? अरे चाचा हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ मूर्खों की कमी थी क्या, जो एक और आ गए मूर्खों के स्वामी। बेटा रक्षाबंधन को टोप लेकर कौन चलता है? अरे चाचा भूल गए, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अंकल अंकल टोप चला लें क्या? हाँ हाँ तुम्हारे बुआ की शादी है ना, अंकल टोप चला लें। मेरे पास भी 5 दाइमार है, आप मुझको एक टोप चलाने दो, मैं आपको 5 दाइमार फोड़ने दूंगा। यहाँ दाइमार किसके सर पे मार दे? चाचा के सर पे। तुमसे कितनी बार बोले हैं हम कि हमारे बीच में मत बोला करो। क्या बम बोला करो, तुमने मुझे कंटाप कैसे मारा? ऐसे मारा अब समझे? तुमने मुझे फिर कंटाप मारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।